थोड़ी जी ब्रीफ कर दो प्लीज। देखो जिस तरह आप सारे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चोणा का ऐलान कर दिता है, सो साढ़े राज दे विच 14 फरवरी नूं चोणा होनिया ने। सो ये भी इलेक्शन कमीशन वालों ही सानू आदेश हुंदा है कि पोलिटिकल पार्टीज और मीडिया जिहड़े कि बहुत इंपॉर्टेंट थम ने सारे इलैक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, कि उन्हां नाल मिल के उन्हां नूं सारी ये सूचना दिती जाए। सारा शेड्यूल है जिहड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़े कि इलैक्शन अनाउंस करदिआं नाल ही होंद विच आ जांदा है, उस बारे आगाह किया जाए। पोलिटिकल पार्टीज़ ने क्योंकि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है और मीडिया ने उसनू रिपोर्ट करना है। सो ये दोनों नू ये सारे चीज़ बारे जानकारी देना बहुत अहम है। साड़ी तरफों साड़ियाँ टीमां बनिया ने जिहड़ियां हर चीज़ पर नज़र रखनगियां, और इलैक्शन कमीशन ने हर एक्टिविटी बारे हर जिहड़ा प्रावधान है उसके जे उल्लंघन हुंदा है तां की कीता जाना है उस बार सारियां डिटेल्ड हिदायतां ने, जिस बारे साडे ऑफिशियल्स दियाँ साडी टीमां दियाँ ट्रेनिंग्स भी हो चुकियां ने। सो जिस तरह तुसीं देखिया होएगा जिस दिन इलैक्शन अनाउंस होए उस दिन तो 3:30 बजे कॉन्फ्रेंस सी, 4 बजे ख़त्म हुई। इमीजिएटली आफ्टर दैट साडियां टीमां ने जाके जिहड़े भी होर्डिंग्स बैनर्स जिथे भी पोलिटिकल फिगर्स दा सी वो सारियां रिमूव कीतियां, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहा। उसके अलावा जिहड़ियां डिटेल्ड MCC दियाँ हिदायतां ने जिहड़ियां अज असी प्रेस कॉन्फ्रेंस च भी दसियां और कल असी पोलिटिकल पार्टीज़ नूं भी दसियां, और खास तौर पर ऐतकी जो कोविड दे माहौल दे विच इलैक्शन होना है उस बारे बहुत ही ज़्यादा एहतियात की लोड़ है। इलैक्शन कमीशन ने विशेष तौर पर उसनू मद्देनज़र रख के सब नाल सलाह करके फिर ये डेट्स अनाउंस की हैं, और उस करके ही 15 तरीक तक किसी भी तरह की जी फिजिकल कैंपेनिंग पर पूर्ण तौर पर रोक लगाई है। वो बाद सिचुएशन देख के फिर दसिया जाएगा। सो ज़्यादा सारा ही डिजिटल मोड नाल और नॉन फिजिकल ऑनलाइन तरीके नाल ही कैंपेनिंग का 15 तरीक तक सारा इस बारे आदेश दिए। मैडम जी, मैं इलेक्शन कमीशन वालों ईवीजल ऐप शुरू किया गया जी, तुहाडे वालों भी कोई नंबर इस तरीके का बनाया गया लोकल जिहड़े लोग ने तुहानूं कंप्लेंट कर? बिल्कुल बिल्कुल, साडा कंट्रोल रूम साडा ये सारियां चीज़ां अखबारों में भी असं पूरा यदा प्रेस विच लोगों आगाह करांगे, असं ये बारे पूरी तरीके नाल प्रचार प्रसार करांगे ताकि सब लोगों नूं पता लगे कि किस नंबर पर उन्होंने कंट्रोल रूम पर अपना कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम दस सकते हैं।